ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टेली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे किसी भी बिल में कस्टमर या सप्लायर का नाम, पता और अन्य डिटेल देना और बिल का प्रिंट आउट निकालना। हम जब भी किसी पार्टी को कोई माल उधार देते हैं तो उसमें जब हम सेल्स इनवॉइस देते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस भी पार्टी को हमने माल बेचा है उसका नाम और एड्रेस भी उस इनवॉइस पर आ जाए। हमारी कंपनी का नाम और उसका एड्रेस तो उस पर होता ही है, कस्टमर का जो है उसका नाम और उसका एड्रेस भी आ जाए, ये हम चाहते हैं। अब उसके लिए हमको एक ऑप्शन शुरू करना होता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक सेल्स इनवॉइस। इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे डे बुक पर। अब यहाँ हमारे पास दो सेल्स की एंट्रीज हैं, तो ये कस्टमर बी को हमने उधार माल बेचा हुआ है तो हम इसका सेल्स इनवॉइस देखते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए सेल्स इनवॉइस आ गया। अब इसको देखने के लिए हम प्रिंट पर जाएंगे, ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो इसको यस कर देंगे एंटर प्रेस करके। अब ये यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू आ गया सेल्स इनवॉइस का। अब इसको अच्छी तरह से देखने के लिए हम जूम कर देंगे ऑल्ट जेड प्रेस करके। अब ये इनवॉइस हमको अच्छे से नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये हमारी कंपनी का नाम और एड्रेस सब आ गया है। अब बायर में ये बायर का नाम तो आ गया है कस्टमर बी, पर उसका एड्रेस नहीं है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर उसका एड्रेस भी आए, तो इसके लिए हम यहाँ से बाहर आएंगे एस्केप की दबा करके। और अब हमको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन पर, जहाँ पर जाकर के हम एक ऑप्शन चालू करेंगे। इसके लिए हम F12 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर सेल्स इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। अब इसमें हमको ये दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलता है प्रिंट डिफ़ॉल्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी, इसको यस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वापस हम प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये प्रीव्यू आ गया, इसको हम जूम कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए बायर का नाम तो है ही कस्टमर बी, साथ में उसका एड्रेस भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से ये ऑप्शन चालू करने से उधार जो भी माल हमने बेचा है उसका जो सेल्स इनवॉइस होगा उस पर सब पे बायर का नाम और एड्रेस आ जाएगा। पर जब हमने नगद कोई माल बेचा हो तो उसमें हम पार्टी का नाम नहीं चुनते, वो कैश की एंट्री होती है। ऐसे में यहाँ पर बायर में यहाँ पर केवल कैश आता है, पार्टी का नाम और उसका एड्रेस नहीं आता है। कैसे, ये देखने के लिए हम एक कैश का इनवॉइस देखते हैं। स्केप की दबाते हुए बाहर आएंगे। अब ये देखिए डे बुक में दूसरी जो हमारी एंट्री है वो कैश में जो माल बेचा है उसकी है। इसको देखने के लिए एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पार्टीज अकाउंट नेम जो है वो कैश है, यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं है। अब इसका इनवॉइस देखने के लिए हम प्रिंट पर जाएंगे, ऑल्ट पी प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको जूम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम एड्रेस तो आ गया, पर बायर की जगह पर केवल कैश आ रहा है, ना पार्टी का नाम है और ना ही उसका एड्रेस है। अब देखिए अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी का नाम और एड्रेस आए, साथ ही उधार माल बेचा हो या नकद बेचा हो, इनवॉइस में ये दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो भी भरी हुई नहीं रहती है, ये भी हमको भरना है। बायर्स ऑर्डर नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब हमको अगर भरना है तो इसके लिए हमको एक और ऑप्शन चालू करना होगा। वो कैसे करेंगे उसको देखने के लिए स्केप की दबाते हुए यहाँ से पहले हम बाहर आते हैं। अब इस ऑप्शन को चालू करने के लिए हमको पहले जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में ये देखिए सेल्स का वाउचर खुला हुआ है। सेल्स का वाउचर हो या परचेस का वाउचर हो, इसमें किसी में भी अगर हम हैं, यहाँ से हमको ऑप्शन चालू करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। इसके लिए F12 की प्रेस करेंगे। ये सेल्स इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री डिटेल्स, इसको हम यस कर देंगे। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके। अब ये ऑप्शन चालू हो गया है और अब हम देखते हैं एक ट्रांजेक्शन जो कैश में हमने किया है।
मान लीजिए हमने शुभम ट्रेडर्स को 100 किलो सोयाबीन ऑयल बेचा, तो उसकी एक एंट्री हम देखते हैं। रेफरेंस में हमने डिलीवरी चालान नंबर 130 डाल दिया, पार्टीज अकाउंट नेम में। अब यहाँ पर चूंकि कैश में माल बेचा है इसलिए पार्टीज अकाउंट नेम की जगह पर आएगा कैश। अब ये जैसे ही एंटरप्रेस करते हैं डिस्पैच डिटेल्स ये यहाँ पर आ जाएंगी। डिस्पैच डिटेल्स में सबसे पहली चीज़ है डिलीवरी नोट नंबर। प्रायः हम नगद या उधार माल बेचते वक्त माल के साथ बिल भी दे देते हैं, किंतु कई बार बिल कहीं और बनता है और माल कहीं और से डिस्पैच होता है, जैसे हमारी दुकान और गोदाम अलग अलग जगह पर हैं। हम बिल दुकान से बनाते हैं और माल गोदाम से डिस्पैच करते हैं, तो इस प्रकार की डिलीवरी के लिए डिलीवरी चालान, जिसे कि यहाँ पर डिलीवरी नोट कहा गया है, इसका उपयोग होता है। और वो जो डिलीवरी चालान का नंबर होता है वो हमको यहाँ पर डालना होता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखें, डिलीवरी चालान में आइटम की क्वांटिटी लिखी होती है, उसकी वैल्यू नहीं लिखी होती। यहाँ पर हमने डिलीवरी नोट में वो डिलीवरी चालान नंबर डाल दिया। डेट में उस दिन की डेट आएगी जिस दिन हमने माल डिस्पैच किया है। इसके बाद आता है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। माल हम जिस भी ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं या रेलवे से भेज रहे हैं, तो जो भी बिल्टी नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 12। इसके बाद डिस्पैच्ड थ्रू, अब जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप माल भेज रहे हैं उस ट्रांसपोर्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने नाम ले लिया श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अब जहाँ माल भेजा जाना है वो डेस्टिनेशन का नाम यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो शुभम ट्रेडर्स है, मान लीजिए शुभम ट्रेडर्स इंदौर का है पर माल उसने मंगाया है अपने पीथमपुर के गोदाम में, तो हमको जो माल भेजना है वो भेजना है पीथमपुर, तो वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया। यहाँ पर हम नाम लिख देंगे पीथमपुर। ये तो हुई डिस्पैच डिटेल्स, और अब हम आते हैं ऑर्डर डिटेल्स पर। अब इसमें जब पार्टी ने हमको ऑर्डर दिया होगा तो जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट में अगर हमने उधार माल बेच रहे हैं तो जो भी क्रेडिट पीरियड हम दे रहे हैं, मान लीजिए 30 दिन में पेमेंट करना है या 40 दिन में करना है या 20 दिन में करना है, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। पर चूंकि हम कैश माल बेच रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा कैश। और कोई अगर रेफरेंस हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में डिलीवरी दो तरह की होती है, एक होती है स्पॉट डिलीवरी और एक होती है FOR डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी में दुकान से हमने माल बेच दिया, अब आगे उस माल को जहाँ भी ले जाना है उसका खर्चा कस्टमर को उठाना होता है, वो अपने खर्चे से उसको जहाँ भी उस माल को ले जाना है वो ले जाएगा। और FOR डिलीवरी जो होती है उसमें माल को जैसे हम पीथमपुर पहुँचा रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचाने का जो खर्चा है वो हम उठाएंगे, ये कहलाती है FOR डिलीवरी। इसका फुल फॉर्म होता है फ्री ऑन रोड या फ्री ऑन रेल डिलीवरी। तो इसमें हम रेल के थ्रू माल भेज रहे हों या रोड के थ्रू माल भेज रहे हों, उसका खर्चा हमको उठाना होता है। ये एंटरप्रेस करने पर एक बार और नीचे आता है, तो और अगर कोई टर्म हो तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ये ऑर्डर डिटेल्स हो गई। अब हम आते हैं बायर्स डिटेल्स पर। बायर में चूंकि हमने कैश में माल बेचा है इसलिए अभी आ रहा है कैश। अब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का नाम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हम डाल देंगे शुभम ट्रेडर्स। अब यहाँ पर शुभम ट्रेडर्स को तो हमने नगद माल बेचा है, तो ये जो भी उसका एड्रेस, सेल्स टैक्स नंबर, CST नंबर, ये सब हमको यहाँ भरना होगा। पर मान लीजिए हमारी कोई ऐसी पार्टी है जो हमसे अक्सर उधार माल खरीदती है, और उसकी अगर हमको डिटेल्स यहाँ पर चाहिए तो उसका लेजर चूंकि हमारे पास बना हुआ है और उसकी डिटेल्स अगर हमारे पास हैं तो हम चाहते हैं कि वहाँ से सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएँ। तो इसके लिए हम पहले वापस बायर्स पर आते हैं, और अब ये पार्टी लिस्ट जो हमको एक ऑप्शन मिलता है इस पे जाने के लिए शॉर्टकट की है Alt+M। ये जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये पूरी पार्टी लिस्ट हमारे पास आ जाती है, सारे लेजर्स आ जाते हैं। अब इसमें से जो भी हमारी पार्टी है उसको हम चुन लेंगे, जैसे कस्टमर बी को हमने चुना, और जैसे ही एंटरप्रेस किया तो ये देखिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके लेजर में डली हुई है वो सब की सब यहाँ पर अपने आप आ जाती है। तो ऐसी पार्टीज के केस में जो कि उधार माल लेती रहती है और जिनका लेजर में ये सारी डिटेल्स डली हुई है, आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। पर अब चूंकि हमने कैश माल बेचा है शुभम ट्रेडर्स को, तो हमको मैन्युअली यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन डालना होगी। तो इसके लिए पहले यहाँ वापस बायर्स पर जाकर के इसको मैन्युअल पर लाना होगा। वापस इसके लिए हम Alt+M प्रेस करेंगे, यहाँ डाल देंगे उसका एड्रेस, सेल्स टैक्स नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया उसका,
यहाँ CST नंबर डाल देंगे। आगे अब हम आएंगे एंटर प्रेस करके, तो ये हम आ गए टाइप ऑफ डीलर पर। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के डीलर्स यहाँ पर हैं जिसमें से आपको चुनना है, इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, अभी हम नॉट एप्लीकेबल चुन लेते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि जिस तरह से कोई भी नगद माल बेचने पर हम बायस की डिटेल्स भरते हैं, उसी तरह से जब आप कोई नगद माल खरीद रहे हों तो इसी प्रकार से सप्लायर्स की डिटेल्स यहाँ पर आएगी, वो भी आप इसी प्रकार से भर सकते हैं। अंतर ये है कि सप्लायर्स की डिटेल्स जो आएगी उसमें ये बाकी डिटेल्स नहीं होंगी, डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स नहीं रहेंगी, वो केवल इतना पार्ट रहेगा। जैसे ये बायस की डिटेल्स हैं उसी तरह से यहाँ पर सप्लायर्स की डिटेल्स होंगी, और जिस तरह से हमने बायस की डिटेल्स भरी हैं इसी तरह से आप सप्लायर की डिटेल भी भर सकते हैं। अब टाइप ऑफ डीलर में हम नॉट एप्लीकेबल चुन लेते हैं। अब यहाँ सेल्स लेजर में हम ले लेंगे सेल्स अकाउंट। यहाँ आ जाएगा नेम ऑफ आइटम सोयाबीन ऑयल, ये हमने बेचा 100 kg 80 rupees पर kg के हिसाब से, और अब नरेशन लिख देंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमको जो हमारा बिल बना है उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि हमने जो सारी डिटेल्स ली हैं बायर की सारी डिटेल उस पर आई या नहीं आई। तो अब उसको देखने के लिए हमको वापस पुरानी उस एंट्री पर जाना होगा, तो उसके लिए हम पेजअप की प्रेस करेंगे। पेजअप की प्रेस करने पे पुरानी एंट्रीज 29 तारीख की जो पिछली एंट्रीज हैं वो आ जाएंगी। तो ये वाली जो हमारी एंट्री थी वो आ गई यहाँ पर। अब हम प्रिंट पर जाने के लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट पी। अब हमको प्रीव्यू देखना है तो एंटर प्रेस कर देंगे, इसको यस कर लेंगे, इसको जूम कर लेंगे। अब ये देखिए, ये तो हो गई हमारी कंपनी का नाम और उसकी उसका एड्रेस वगैरह आ गया। अब ये हमारा बायर जो है उसका नाम आ गया, उसका एड्रेस यहाँ पर आ गया, और बाकी सारी जो डिटेल्स थी वो भी यहाँ पर आ गई हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ये सब यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये हमारे और ये बायर के सेल्स टैक्स नंबर और CST नंबर यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे।